नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं एसके इलेक्ट्रिकल चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने ये चैनल नया स्टार्ट किया है जिस पर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी हुई इक्विपमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, पहले हमारी विनती है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छी वीडियोस पे आती रहेंगी, ये हम कोशिश करेंगे पूरी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बार बेंडिंग मशीन, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे सरिया को मोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो डायग्राम हम आपको बताएंगे वो डायग्राम चाइना पैटर्न, जिस मशीन को हम बोल देते हैं, उसके लिए है। ये स्पार्टन मशीन के लिए नहीं है। स्पार्टन मशीन का हम डायग्राम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी हम आपको चाइना पैटर्न का कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम समझाते हैं। पावर डायग्राम, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पावर डायग्राम ये है कि जो थ्री फेज सप्लाई है वो हमें मोटर तक कोटेक्टर के जरिए पहुंचती है, पहुंचानी होती है, वो पावर डायग्राम के अंतर्गत आती है। कंट्रोल डायग्राम जिससे कोटेक्टर ऑपरेट होते हैं और लिमिट स्विच ऑपरेट होते हो, जैसे हम बटन दबा के मशीन को चालू करते हैं, बंद करते हैं, लिमिट स्विच से कट ऑफ हो गए वो वापस आती है, ये सब प्रोग्राम कंट्रोल डायग्राम के अंदर में आता है। तो अब हम आपको ये समझाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसका जो है ना पावर डायग्राम देख लेते हैं। पहले हम पावर डायग्राम देख लेते हैं। तो पावर डायग्राम के अंदर क्या जाते हैं, जैसा हमारी कोई भी थ्री फेज सप्लाई ये चली गई, ये आर वाई और बी, ये थ्री फेज सप्लाई चली गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक कोई एमसीबी लगा देंगे उसमें ऑन ऑफ के लिए सप्लाई को। तो ये एक एमसीबी के थ्रू हम पार कर लेंगे और इसको फिर हम कॉन्टेक्टर में ऐसे भेज देंगे। ये आप ये लिख भी सकते हो कि हमने ये एमसीबी लगाई है यहाँ पे थ्री फेज के लिए। तो यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्टर जिसको हम K1 नाम दे देते हैं, K1 ये एक कॉन्टेक्टर है। और एक दूसरा कॉन्टेक्टर, क्योंकि हम सिंपल डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें जो है ना दो कॉन्टेक्टर यूज होंगे बस। स्पार्टन में ये तीन कॉन्टेक्टर यूज होते हैं, एक ब्रेक के लिए लगता है, लेकिन इसमें ब्रेक ऑलरेडी अलग टाइप का रहता है तो उसमें ये नहीं काम आएगा। ये सिर्फ चाइना पैटर्न के लिए है। तो अभी हम जैसे आर वाई बी यहाँ पे आए हैं, वो आर वाई बी सेम यहाँ से दूसरे कॉन्टेक्टर में चले जाएंगे। इसमें कोई बदलाव हमें नहीं करना है, ये ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ पे। तो इस कॉन्टेक्टर का नाम हम K2 दे देते हैं, ये हमारा K2 हो जाएगा। फिर इसको हम सिंपली इसको ऐसे कॉन्टेक्टर को लुप कर देंगे नीचे। यहाँ पे फेस चेंज हो जाएंगे हमारे आगे, तो ये तार मोटर के लिए आ जाएंगे हमारे पास में। ये तार मोटर के लिए आ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर K1 ऑपरेट होगा तो ये आर वाई बी ऐसे यहाँ पे, इसमें आर अगर यहाँ पे मिल रहा है अभी, तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इसमें ये आर ऐसे यहाँ होता हुआ ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा आर। तो एक जब ऑपरेट होगा तो आर इधर मिलेगा, दूसरा ऑपरेट होगा तो आर इधर मिलेगा। इस तरह से मोटर उल्टा और सीधा ऑपरेट होगा, एक बार उल्टा चलेगा और एक बार सीधा चलेगा। तो दोस्तों, अब हम इसका कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। अब हम इसका कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। कंट्रोल डायग्राम में हम एक तो इसमें चाहे हम इसे फेस कह लो या फिर इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, तो एक तार हमें यहां से लेना है। और सिंपली इसमें हम एमसीबी लगा भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अभी हम नहीं लगा के दिखा रहे हैं तो ऐसे ही हम आपको बता देते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको एक इमरजेंसी तो जरूर ऑपरेट करेंगे, इसमें इमरजेंसी के एनसी से लेंगे इसको, एनसी कॉन्टेक्ट होता है ये, इमरजेंसी इमरजेंसी लगाएंगे। इमरजेंसी स्विच बहुत कंपलसरी है, ये एक्सीडेंट से काफ़ी हद तक बचा देता है। इमरजेंसी जरूर लगाएं, जरूर यूज़ करें। तो यहाँ पे हम
लिमिट स्विच का, एनसी कॉन्टैक्ट यूज करेंगे। लिमिट स्विच का एनसी कॉन्टैक्ट यूज करने के बाद इसमें हम यहाँ पे इसको ये पुश बटन फॉरवर्ड का पुश बटन हो गया, और यहीं से ही लूप हो के ये K1 का NO। और दोस्तों NO और NC के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये NC कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम बंद रहता है तो ये कॉन्टैक्ट को पार करते हैं, यानी इसको इससे जोड़े रखते हैं, सिरों को दूसरे सिरे से जोड़े रखते हैं। जब ऑपरेट होता है ये कुछ भी सिस्टम, तो एनसी नहीं काम करता है, एनसी ओपन हो जाता है। तो एनसी में बंद रहने में ही कॉन्टैक्ट जुड़ा रहता है, और एनओ में ऑपरेट होने के बाद कॉन्टैक्ट जुड़ता है। जब कोई कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी उसका एनओ एक सिरे से दूसरे सिरे पर सप्लाई को पहुंचाएगा। तो ये एनओ है, ये एनसी है, इनका ध्यान जरूर रखें। और इसी से ही हम यहाँ पे ये कनेक्शन लेते हैं, ये भी एनओ कॉन्टैक्ट होता है जो कि लगता है फुट स्विच, ये फुट स्विच के लिए हम यूज कर लेंगे, यहाँ से यहीं पे लग जाएंगे। तो इसी लूपिंग से फिर यहाँ पे ये चला जाएगा, ये यहाँ पे एनसी हो जाएगा K2 का, क्योंकि हमको इसको इंटरलॉक करना होता है। तो इंटरलॉक करने के लिए हमें एक कॉन्टेक्टर के सप्लाई जो उसकी ऑपरेटिंग कॉइल में जाएगी, उस सप्लाई को हम दूसरे कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट से इसलिए लेते हैं ताकि एक के ऑपरेट रहते हुए दूसरा ऑपरेट ना हो, सप्लाई में कोई फॉल्ट ना आए। तो यहां से लेते हुए फिर हम सिंपली इसको ऑपरेटिंग क्वेल, जिसको हम नाम दे देते हैं, ये K1 की ऑपरेटिंग क्वेल है, और यहाँ पे ये नेगेटिव या न्यूट्रल, या नेगेटिव इसको हम बोल सकते हैं, एक सप्लाई यहाँ पे रहेगी और वो दोनों कंडक्टर में आप लुक कर दोगे। इसका ये एक सिरा ये A1 होता है और ये दूसरा सिरा इसका A2 होता है ऑपरेटिंग कॉइल का। तो अब हमारा यहाँ तक ये फॉरवर्ड का प्रोग्राम सेट हो गया। अगर यहाँ तक आप करके इसको चेक करोगे तो ये मशीन जो है ना, आपकी बैंडिंग मशीन एक तरफ जाके रुक जाएगी। अब यहाँ से वापस आने के लिए इसको हम दूसरा प्रोग्राम सेट करते हैं। ये फॉरवर्ड का प्रोग्राम है, ये सिंगल प्रोग्राम है, एक बार जाएगी लिमिट स्विच पे जाके वो रुक जाएगी, लिमिट स्विच उसको काट देगा तो वो रुक जाएगी। अब यहाँ से हम ये सप्लाई ले लेते हैं, इमरजेंसी के बाद ही सप्लाई हमें लेनी है यहाँ से। तो इसके हम पहले ही देख लेते हैं इसको, ये हमें जो होम पोजीशन है लिमिट स्विच, जो होम पोजीशन का लिमिट है उसमें सिर्फ दो ही तार जाते हैं, उससे हमें ये उसके एनसी से पार करके और इसको K2 के NO पे लाना है। तो K2 के NO पे जब हमने लाए हैं तो इसको हम लिमिट स्विच के यहाँ पे ले जाएंगे, इसके दो कनेक्शन ये लिमिट स्विच के NO पे भी रहेंगे, ये कॉन्टेक्टर के NO पे भी रहेंगे और लिमिट स्विच के NO पे भी रहेंगे। तो ये आप ये समझो ये लिमिट स्विच है। तो इसके जो K2 का NO है वो K2 का NO एज इट इज सेम ए लिमिट स्विच का NO तो रहेगा, तो यही कनेक्शन सेम रहेंगे। इसी इन्हीं तारों पर हम जो है ना एक रिवर्स का पुश बटन लगा देते हैं, रिवर्स पुश बटन हम इन्हीं दो तारों पे यूज कर देते हैं अगर लगाना चाहे तो। फिर जाके ये K1 के NC में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरलॉक हो गया था K2 के NC में जब हम ऑपरेटिंग कर रहे थे K1 को, अब हम K2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो अब ये इंटरलॉक हो गया K1 के NC से। तो
जब तक ये बंद रहेगा तभी तक K2 चलेगा। K1 अभी बंद है तो यहाँ पे ये आपका K2 के ऑपरेटिंग कॉइल हो गई, और ये सिरा A2 और ये A1। तो इसमें हम अभी ये देखते हैं कि जब पोस्ट हमने न्यूट्रल यहाँ पे इनको A2 में दे दिया, यहाँ से सप्लाई आई इमरजेंसी से होती हुई लिमिट स्विच के MC से पार हुई, और यहाँ से हमने ये सप्लाई यहाँ पे हमें मिल गई है क्योंकि लिमिट स्विच अभी बंद है तो NC पार हो रहा है। पुश बटन हम दबाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ जब सप्लाई पहुँचेगी तो इसको सप्लाई इसको हमने एक बार प्रेस किया, इसने सिर्फ एक बार सप्लाई दी, उसके बाद इसने बंद कर दी। तो अब हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगी आगे? अब ये ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि एक बार जब हम इसको मार देंगे यहाँ पे तो ये सप्लाई इसके A1 में पहुँच जाएगी, और एक बार A1 में पहुँच गई तो ये सप्लाई K1 का जब NO ऑपरेट हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से ऐसे मिलने लगेगी हमें, चाहे हम इसको एक बार प्रेस करें चाहे फुट स्विच को एक बार प्रेस करें। तो जब कोई सा भी हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई फिर हमें यहाँ और यहाँ की बजाय यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा एक बार पुश बटन दबाने से। तो यहाँ से जब इसमें सप्लाई आ जाएगी A1 में पहुंच जाएगी तो ये ऑपरेट होता रहेगा, और जैसे ही ऑपरेट हो गए लिमिट स्विच पे घूम के मशीन जाएगी, लिमिट स्विच को यहाँ से कट करेगी और यहाँ से जोड़ देगी। तो यहाँ से जैसे ही जोड़ेगी तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में सप्लाई आ रखी है, तो यहाँ पे ये जुड़ते ही सप्लाई यहाँ इस कॉन्टेक्ट पे ऐसे पहुंच जाएगी तो ये ऑपरेट हो जाएगा K2, क्योंकि एक बार इसने ये सप्लाई यहाँ मार दी तो यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ तक जैसे ही पहुंचेगी तो K2 ऑपरेट हो जाएगा। K2 के NO से ये सप्लाई यहाँ से मिलने लगेगी यहाँ की बजाय, तो यहाँ से जब ये सप्लाई मिलती हुई चली जाएगी और फिर वापस आ गई ये यहाँ होम पोजीशन को दबाएगा, होम पोजीशन के लिमिट स्विच को वापस प्रेस करेगा मशीन का पिन, तो ये सप्लाई यहाँ से खुल जाएगी तो इस कॉन्टेक्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्टर को ये होम पोजिशन का लिमिट स्विच स्टॉप करेगा, और इस कॉन्टेक्टर को ये मेन जो कट ऑफ करने वाला लिमिट है जहां तक सरिया मोड़ के मशीन वापस आती है, ये यहाँ से इससे ऑपरेट होता है और यहाँ से बंद होता है जब ये यहाँ से कट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हमने आपको कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम बेंडिंग मशीन का समझा दिया, अगर आपने ध्यान से देख करके ऐसे इस मशीन की वायरिंग कर दी तो ये 100% वर्किंग फार्मूला है, 100% वर्किंग करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 मिनट में ये डायग्राम बना के मशीन को चालू कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि वीडियो अगर नहीं भी पसंद हो तो भी सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट आपके अच्छे सुझाव ही हमारी वीडियो को बेहतर बनाने में हमारे बहुत काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों।